पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है। कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को कल हुई छापेमारी में 40 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। रुपयों को ले जाने के लिए ट्रक और 20 बक्से मंगाए गए हैं। अर्पिता के घर से 3 किलो सोना भी बरामद हुआ। कल उसके दूसरे घर में भी ईडी ने छापेमारी की, उसमें मिले पैसों की गिनती जारी है। जांच के दौरान उसे सील कर दिया गया है। कोलकाता से भी पैसे गिनने की मशीन मंगाई गई। ईडी मुख्यालय से 2 और नजदीकी बैंकों के अधिकारी भी पैसे गिनने की मशीन के साथ यहां पर ईडी के अफसरों का सहयोग कर रहे हैं। ईडी की टीम ने कोलकाता और उसके आसपास 5 जगहों, उत्तर 24 परगना के बेलघरिया और राजडांगा में बने अर्पिता के ऑफिस, रिश्तेदारों के घर और बाकी फ्लैट्स पर भी छापे मारे हैं, जहां से कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया जा रहा है। इसी मामले से जुड़े एक अन्य आरोपी मनोज जैन के बालीगंज के आवास पर भी हुई है ईडी की रेड। देखिए, सवाल ये था कि टालीगंज के जो फ्लैट से जो 21.90 करोड़ रेस्क्यू किए गए थे, रिकवर कर दिए थे, उसके बाद बेलघरिया में कितना मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। रात भर यहाँ पे काउंटिंग चल रहा था। और ये जो 8A जो फ्लैट है, ये 8A फ्लैट है जिसमें ईडी लोग ने पैसा बरामद करने के बाद इसमें नोटिस लगा के गए हैं। इसमें से ईडी ऑफिसर जब निकल रहे थे यहाँ से, उन्होंने कहा है ऑन माइक ऑन कैमरा कि 27.90 करोड़ इस फ्लैट से कैश रिकवर हुआ है। और उसके अलावा जो गोल्ड जो बार है, गोल्ड जो ब्रिक्स है, गोल्ड जो ऑर्नामेंट्स हैं, वो रेस्क्यू किया गया है, वो रिकवर किया गया है इस फ्लैट से 8 फ्लोर में। इस फ्लोर में, इस जो 8 जो फ्लोर है, इसमें 3 फ्लैट है। एक 8A जो अर्पिता का था, अर्पिता मुखोपाध्याय का था, उसके बाद 8C है, उसके बाद 8B है। लेकिन जो तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा कि फ्लैट के जरिए जो रात भर यहाँ पे काउंटिंग हुआ है, यहाँ का जो कॉरिडोर है वहाँ पे भी, यहाँ पे क्या चला है उसका निशान यहाँ पे है। रात भर यहाँ पे बैंक के अधिकारी थे, ईडी के अधिकारी थे, उन लोगों ने काउंटिंग किया है, काउंटिंग मशीन लाए थे। हमने वो तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाया है कि कैसे एक फ्लोर में पैसों का पहाड़ था, ढेर किया हुआ था, पैकेट से पैसे निकल रहा था, सेलोटेप लगा हुआ पैकेट था, और उसमें यहाँ पे ये कैंची जो है, कैंची यहाँ पे रह गया है। यहाँ पे एक सीसी कैमरा है, ये सीसी कैमरा के जरिए इस में कौन कौन लोग आते थे, कब आते थे, कौन कौन दिन आए हैं, उन सब फुटेज पे बारीकी से नजर कर गया है। ईडी के जो यहाँ पे जो अधिकारी है वो उस फुटेज एग्जामिन करेंगे कि कौन कौन आए हैं। यहाँ का जो सेक्रेटरी है, इस कम्प्लेक्स का जो सेक्रेटरी है, उनके जरिए पता चल रहा है कि 2 साल पहले अर्पिता यहाँ पे रेगुलर आते थे, लेकिन पिछले 1 साल से वो यहाँ पे रेगुलर नहीं आते थे। यहाँ का मेंटेनेंस का जो पैसा है वो भी उन्होंने नहीं दिया। सोचिए, जिसके फ्लैट से 27.90 करोड़ रिकवर हुआ है, उन्हीं के फ्लैट में उनका जो मेंटेनेंस है, 11,000 का एक मेंटेनेंस है, वो तक नहीं मिटाया गया। सवाल ये है कि अर्पिता ये सब फ्लैट क्यों खरीदते थे, बैंक में नहीं रखा जाएगा, इसलिए शहर भर में फ्लैट खरीद के पैसा रखने के लिए, पैसा मौजूद करने के लिए कि ये सब फ्लैट खरीदा जाता था। एक घर, एक कमरा, कैश ही कैश। रोज नए राज सामने आ रहे हैं, रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं, रोज नई कहानी सामने आ रही है। लेटेस्ट खुलासा है मिनी बैंक वाला, जो अर्पिता मुखर्जी ने खुद ईडी के सामने किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी से पूछताछ के दौरान अर्पिता मुखर्जी ने कहा है कि मेरे घर को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पार्थ चटर्जी हर 10 दिन में घर पर आते थे, सारे पैसे पैक करके एक ही कमरे में रखे जाते थे। इस रूम में पार्थ चटर्जी और उनके लोग ही अंदर आते थे। बिना पार्थ चटर्जी के इजाजत के इस कमरे में कोई नहीं जा सकता था। अर्पिता के मुताबिक पार्थ कभी ये नहीं बताते थे कि कितना पैसा है। बांग्ला से लेकर उड़िया फिल्मों तक में काम करने वाली अर्पिता के अरमान कितने बड़े थे, इसकी बानगी छापेमारी में मिले 21 करोड़ कैश, लाखों के जेवरात, कई संपत्तियों के कागजात से मिल चुकी है। अर्पिता के घर से बरामद काली डायरी से भी कैश क्वीन का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। फिलहाल सवाल है कि क्या अर्पिता की मिनी बैंक वाली कहानी में और भी राज हैं, और भी किरदार हैं? दावा है अर्पिता के उड़िया फिल्म उद्योग में बड़े निर्देशकों, निर्माताओं और प्रोडक्शन हाउस के साथ संबंध है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अर्पिता के पास इतना पैसा आता कहां से था।
कहा यह भी जाता है कि जो फिल्में अर्पिता ने की थी वो पर्दे पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी।